हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे केबीएस पीजीटी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज का जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपसे वो केबीएस पीजीटी केमिस्ट्री दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर लिए हैं। केबीएस पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम पैटर्न यूपी पीजीटी केमिस्ट्री से बिल्कुल डिफरेंट होता है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो केबीएस पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम पैटर्न का डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और उसके जो सेक्शन से उसके क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जो सेक्शन लिए हैं वो सेक्शन 5 है, पार्ट सेकेंड का, यानी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। 71 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम ऑन द रिएक्शन। हाफ एन टू दिया है गैसियस स्टेट में, प्लस ओ टू गैसियस में दिया है, इससे रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। एन ओ टू बन रहा है गैसियस स्टेट में, प्लस हीट इवॉल्व हो रही है। तो इसके लिए पूछा है कि राइट ऑप्शन क्या होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा, डिक्रीज इन ओ टू कॉन्सेंट्रेशन होगा, एडिशन ऑफ कैटालिस्ट होगा। तो अगर आप इसमें रिएक्शंस में देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा इस रिएक्शंस के लिए। 72 क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इट इज ए डाइसेक्राइड। हाँ तो सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है ही। इट इज रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर, ऐसा होता है। इट इज ए डेक्सट्रोरोटेटरी शुगर। तो ऑप्शन सेकेंड क्या होगा, ये राइट ऑप्शन नहीं होगा, यानी इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, ऐसा नहीं होता, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। 73 में पूछा है, व्हिच स्ट्रक्चर डिपिक्ट्स द लिंकेज बिटवीन टू एनोमरिक कार्बन। यानी कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें जो लिंकेज पाई जा रही है टू एनोमरिक कार्बन्स के बीच में पाई जा रही है। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर वाला स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है। तो अगर एनोमरिक लिंकेज की बात करें आप, तो देखेंगे कि एनोमरिक लिंकेज जो आपके पाया जा रहा है वो ऑप्शन सेकेंड में पाया जा रहा है एनोमरिक लिंकेज। तो यहाँ से ऑप्शन जो सेकेंड होगा आपका वो क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा एनोमरिक लिंकेज के लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है कि व्हिच एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता है। तो क्रोमियम भी शो करता है, वैनेडियम भी शो करता है, मैग्नीज भी शो करता है। तो इसमें जो इन ऑप्शन में जो स्कैंडियम होगा SC, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा। क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ हैज फॉलोइंग वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की जो ऑर्बिटल्स होंगे उसमें किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले जब आप इसका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनेशन क्या कहती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम्स। किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से वन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी और उतनी ही ज़्यादा आपकी निकालने के लिए हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर कोई भी आपका ऑर्बिटल्स है वो फुल फिल्ड है अथवा हाफ फिल्ड है तो उसको निकालने उतना आसान इलेक्ट्रॉन वहाँ से नहीं होगा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अथवा कोई भी अगर एटम्स है उसकी साइज स्मॉल है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है तो वहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। तो नाइट्रोजन में देखते हैं तो इसके आउटर मोस्ट में ऑर्बिटल में 2p3 हैं, ऑक्सीजन में आपके क्या हैं, 2p3 हैं, फिर नाइट्रोजन में आपके फास्फोरस में भी क्या हैं, आपके 3p3 हैं, इसी अकॉर्डिंग आपके सल्फर में क्या है, 3p4 हैं। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, 2p4 ऑर्बिटल्स हैं, नाइट्रोजन के पास 2p3 ऑर्बिटल्स हैं, इसी अकॉर्डिंग फास्फोरस के पास क्या है, 3p3 है, और सल्फर के पास 3p4 है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल है 2p3, वो 2p3 ऑर्बिटल में से जो ऑर्बिटल्स वो हाफ फील्ड है। तो अगर ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। अगर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी तो 2p3 नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, नाइट्रोजन की होगी। नाइट्रोजन के बाद जो आपका
फास्फोरस होता है, तो जैसे जैसे आपकी साइज बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। ऑक्सीजन के पास सल्फर है तो ऑक्सीजन से कम ही होगा सल्फर का, तो आपको मेनली कंपेरिजन देखना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन के पास 2p4 ऑर्बिटल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो हाफ फील्ड स्टेबल में आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का आपका क्या होगा, इजिली निकल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन का 2p3 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हाफ फील्ड स्टेबल है, इसीलिए निकलेगा नहीं इजिली। अब हम देखते हैं 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन में दिया है डी डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 2.60 × 10⁻³० सेंटीमीटर, दी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इज 140 PM, दी परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ HBr। तो यहाँ से आपने एक परसेंटेज आयनिक करेक्टर्स निकालने का आप फार्मूला पढ़े होंगे, जहाँ से आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालते हैं, तो उसके लिए आप वहाँ से परसेंटेज आयनिक करेक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर आने वाले वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे, अभी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं और उसका राइट ऑप्शन बता रहे हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार प्रयास कीजिए, उसके बाद हम आने वाले वीडियो में इसके क्वेश्चंस को डिस्क्राइब सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। 77 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय जिब्रेल पिथैलेमाइड सिंथेसिस। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो एमीन्स है वो जिब्रेल पिथैलेमाइड सिंथेसिस के लिए यूजफुल है। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन आप देखेंगे, तो यहाँ से राइट ऑप्शन सेकेंड है, यानी जो ए वाली एमीन्स होती हैं ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के लिए बेरी यूजफुल होती हैं, यानी इन्हीं के यूज से आप क्या करते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 77 तक इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 80 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं। बाकी सर आपके कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, इन सब के क्वेश्चन होते हैं। तो इसकी 77 के आगे क्वेश्चन हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।